हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत का खाना। आज हम बनाने जा रहे हैं भारत का सबसे फेवरेट और सबसे हेल्दी नाश्ता, जिसका नाम है उपमा। वैसे तो कई सारे वेरिएशन होते हैं उपमा में, जैसे व्हीट का उपमा हो गया, राइस का उपमा हो गया, बट आज हम एकदम कॉमन उपमा बनाने वाले हैं जिसका नाम है रवा उपमा, बोले तो सूजी का उपमा। ये साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है। साउथ इंडिया हो गया, अपना श्रीलंका हो गया और महाराष्ट्र हो गया, और मुंबई में तो ये हर एक स्ट्रीट में मिल जाता है सुबह सुबह, और बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं सुबह सुबह इसको नाश्ते में खाने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, लाइट होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई कुकिंग कर रहा है या फिर आप बैचलर हैं तो इसको आप इजीली बना सकते हैं अपने घर पे, बहुत ही आसान है इसको बनाना। और आज हम जो ये रेसिपी बनाएंगे एकदम ओरिजिनल स्टाइल में बनाएंगे, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे। इसमें भी कई सारे वेरिएशन होते हैं रवा उपमा को बनाने में, एक फास्ट तरीका होता है, अलग अलग इसमें वेरिएशन होते हैं, बट आज हम जो बनाने जा रहे हैं एकदम ओरिजिनल तरीके से बनाएंगे, जैसे ट्रेडिशनल तरीके से ये रवा उपमा बनता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हमें रवा उपमा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। रवा उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी, ये मैंने 1 कप ली है, ये 2 जनों के लिए काफ़ी होगी। गाजर, ये मैंने ऑरेंज वाली गाजर ली है, ये मैंने 2 से 3 चम्मच ली है। अगर आप रेड वाली यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ी हाफ कर दीजिए, क्योंकि रेड वाली गाजर में मिठास थोड़ी ज़्यादा होती है। 4 से 5 चम्मच मटर, ये मैं बॉयल्ड मटर यूज़ कर रहा हूँ। प्याज, बोले तो कांदा, ये मैं 1 कांदा यूज़ कर रहा हूँ छोटी वाली, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच राई, बोले तो मस्टर्ड सीड्स, 10-12 पत्ते कड़ी पत्ते के, बोले तो करी लीव्स, और 1 हरी मिर्च, इसको हम चॉप करके डालेंगे। अदरक, ये ड्राई जिंजर पाउडर लिया मैंने 2 पिंच, अगर आपके पास गीली वाली अदरक है बोले तो कच्ची अदरक है, आप 2 पिंच उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक से क्या होगा, हमारे उपमा में टेस्ट एकदम निखल कर आएगा, बोले तो एकदम उभर कर आएगा। 1 बड़ी चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर हम अपनी सूजी को रोस्ट करेंगे, इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, और हमें इसकी जो फ्लेम है वो लो रखनी है, लो फ्लेम में हमें इसे रोस्ट करना है। अगर आप थोड़ी सी फ्लेम हाई कर सकते हैं बोले तो मीडियम और लो के बीच में इसको अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं, और रोस्ट करते समय हमें इसे चलाते रहना है कंटिन्यू, क्योंकि ये नीचे से फटाफट पकड़ लेती है और उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब देखिए हमारी जो सूजी अच्छे से रोस्ट हो गई है, इसका जो कलर है हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया, ज़्यादा नहीं करना है हमें, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया। आपको मैं लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ, ये देखिए हमारी जो सूजी है इसका जो कलर है हल्का सा चेंज हो गया है, इसमें भी नहीं मालूम पड़ रहा है, ये देखिए। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब देखिए हमने सूजी को एक स्टील की प्लेट में निकाल लिया है, और हमें सूजी इसलिए निकालनी नहीं है एक स्टील की प्लेट में, हल्के हल्के इसको, क्योंकि अगर ये कढ़ाई में रहेगी सूजी तो उसका जो कलर है फटाफट से चेंज होगा, जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो कढ़ाई होती है उसके अंदर हीट कंटेंट रहती है, जिससे हमारी जो सेमोलिना है बोले तो सूजी है उसका कलर फटाफट चेंज होने लगता है। इसलिए हम रोस्ट होने के बाद सूजी को एक प्लेट में निकाल लेते हैं, फिर हम इसी कढ़ाई के अंदर ऑयल को डालेंगे बाकी वेजिटेबल को फ्राई करने के लिए। अब हमने अपनी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, इसको हम हल्का लो और मीडियम फ्लेम में इसको गर्म करेंगे, फिर इसके अंदर हम राई को डालेंगे जब ये गर्म हो जाएगा, जैसे हमारी जो राई है हल्के से कड़क जाए। अब हमारा जो ऑयल है गर्म हो गया, इसके अंदर हम राई को डाल देते हैं, राई से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उपमा में। अब हमारी जो राई है कड़कने लगी है, अब इसके अंदर हम कड़ी पत्ते को डाल देते हैं, जैसे कड़ी पत्ते भी अच्छे से कड़क जाएं, और इसको हम टॉस कर लेते हैं। अब इसी के साथ हम जीरा डालेंगे, अदरक, इसको हम टॉस कर लेते हैं एक बार अच्छे से, बहुत बढ़िया महक आ रही है फ्रेंड्स, अब यकीन नहीं करेंगे, बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, इसको भी हम टॉस कर लेते हैं, और हमें प्याज तब तक फ्राई करनी है जब तक ये हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए, इसको कैरामलाइज नहीं करना हमें, कई लोग इसे कैरामलाइज करते हैं, बट हम इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट रखेंगे, उसी में एकदम बढ़िया टेस्ट निकल कर आता है। अब इसी के साथ साथ हम इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं, इसको भी हम अच्छे से सोटे कर लेते हैं। जब ये हमारी जो प्याज है हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तब हम इसके अंदर वेजिटेबल को डाल के इसको सोटे करेंगे, क्योंकि जब हम वेजिटेबल डालेंगे तब ये और भी ज़्यादा फ्राई होगी, तब एकदम से हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। और वेजिटेबल डालने के बाद ये सारे स्टेप आपको थोड़ा याद रखना है, तभी एकदम निकल कर आता है हमारा उपमा। अब हमारी जो प्याज है हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो गई है, अब इसके अंदर हम अपनी वेजीज को डाल देते हैं, मटर, गाजर, इसको भी हम टॉस कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो वेजिटेबल्स हैं तेल में अच्छे से फ्राई होने के बाद
इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा और हमारी जो वेजिटेबल हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाएगी, और उसकी जो महक है उसका जो टेस्ट है पूरे उपमा में अच्छे से बैठ जाएगा। देखिए कितना अच्छा कलरफुल लग रहा है हमारा ये। अब मैंने सारी वेजिटेबल्स को एक मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी हमें इस हिसाब से डालना है, अगर हमारी एक कप सूजी है तो हम दो कप से ज़्यादा पानी ले सकते हैं, दो कप से थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, कम नहीं लेना है हमें। अब आपने देखा है मैंने दो कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे और फ्लेम को हम हाई कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पानी के अंदर बॉईल आ गया है। इसको हम एक से दो मिनट तक अच्छे से बॉईल होने देंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंदर सूजी डालेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस दिखा रहा हूँ उपमा का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए। मैं आपको बोलना भूल जाता हूँ और आप लोग करना भूल जाते हैं, आप इसको जरूर लाइक कीजिए। अब हमारे एक से दो मिनट हो गए हैं और गैस को हम एकदम लो फ्लेम पर कर देते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे सूजी। और इसको हम उसके फटाफट टॉस करेंगे, जैसे हमारी जो सूजी की जो लम्स है बनना जाए। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है पानी को और सूजी को, बस हमें लम्स नहीं बनने देने इसके अंदर, हमें फटाफट इसको हिलाते रहना है। आप देख रहे हैं मैं इसको फटाफट हिला रहा हूँ, जैसे इसके अंदर जो भी लम्स हैं वो ना बने सूजी के। और गैस मैंने ऑफ़ कर दी है, गैस हमें ऑफ़ कर देनी है। स्टार्टिंग में डालते समय हमें इसे लो रखनी है और फिर उसके बाद हमें गैस को ऑफ़ कर देना है। अब देखिए हमारा जो उपमा है एकदम मस्त बन गया है, इसके सारे जो लम्स हैं वो डिज़ोल्व हो गए हैं। ये देखिए एकदम मस्त हमारा उपमा बन के तैयार हो गया है, मन कर रहा देखते ही खा लें। और बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है इसके अंदर से, आप देख सकते हैं इसके सारे जो लम्स हैं वो डिज़ोल्व हो चुके हैं, एकदम ये ट्रांसपेरेंट सा आ गया। ये देखिए एकदम मस्त बना है। तो चलिए हम इसकी अब सर्विंग कर लेते हैं, बोलो तो इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा उपमा बन के तैयार है, इसकी मैंने प्लेटिंग कर ली है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप इसको जरूर अपने घर पर ट्राई कीजिए। इसको हमने एकदम ओरिजिनल स्टाइल में उपमा बनाया है, जो ट्रेडिशनल तरीके से बनता आ रहा है साउथ इंडिया में और महाराष्ट्र में। और इसको मैंने सर्व किया है सॉस के साथ, ये टमाटो केचप है, इसके साथ खाने में इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और ये है कोल्हापुरी टेचा। तो आप मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ इसको जरूर लाइक कीजिए, आपके लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और आने वाली मोर रेसिपीज़ के लिए और मोर किचन टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस भारत का खाना।